पैरोल पर जेल से बाहर आए इनेलो सुप्रीमो व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जींद में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते नजर आए। चौटाला ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कोशिश करके अटल बिहारी वाजपेयी को मनाकर नरेंद्र मोदी को बचाया था, लेकिन मोदी इतना घृणित व्यक्ति है कि सत्ता प्राप्ति के बाद उसने लाल कृष्ण आडवाणी की क्या दुर्गति की ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कि अक्टूबर के महीने में निश्चित रूप से हरियाणा विधानसभा के चुनाव है। मैं आपसे वायदा लेकर जा रहा हूं कि चुनाव जब घोषित होंगे तो मैं आपके बीच में होगा। बात तो आपको यकीन करना ही चाहिए, 3206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी पर लगाने की वजह से मैं 10 साल की सजा काटता हूँ। अब के मैंने फैसला किया है कि सरकार तो आप बनाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद पहले क्रम से हम एक फैसला करेंगे और हम आपसे वायदा देंगे कि हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाला है, चाहे किसी वर्ग का है, और जाने अनजाने में अगर उस पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने चुनाव में गलती कर दी हो, गलत के वोट दे दिया हो, तो उसके माँ बाप की गलती का नुकसान उस बच्चे को भी उठाना पड़ेगा। जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।